बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ शलगम और पालक की रेसिपी, बहुत ही अच्छी भुर्जी का सालन। तो सबसे पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं चैनल को, नए देखने वाले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें साथ बटन जो दिया हुआ है और बेल आइकन का, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मेरे बहन भाई जितने भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बटन दबाएँ, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ सब्जी, बहुत ही मज़े की भुर्जी। शलगम और पालक को मिक्स करके बनाऊंगी दोनों चीज़ों की भुर्जी। तो आए आज हम व्यूवर्स, अब हम शुरू करते हैं बहुत ही मज़े के शलगम और पालक की सब्जी। चलिए आए मैं आपको तरीका बताती हूँ, बहुत ही आसान है, इसके लिए बहुत ही आसान चीज़ें दरकार है। तो प्याज इसके अंदर एक जाएगा, टमाटर है एक, लहसुन अदरक का पेस्ट है थोड़ा सा, और सब मिर्चे हैं, बाकी मसाले गलते हैं हमारे। अब हम फ्लेम ऑन करते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़े की सब्जी बनेगी। सर्दियों में क्योंकि शलगम अच्छे बनते हैं, सब्जी ये सर्दियों की सौगात ही है। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, मौसम ठंडा ठंडा और ये सर्दियाँ आनी शुरू हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल का मैं ये 2 चम्मच डाल रही हूँ, ऑयल है आप मेरे पास घी नहीं है ये, तो आप लोगों के पास घी है तो घी डाल दें, ऑयल है तो ऑयल का आप सब्जी के हिसाब से डालें। अब मैं प्याज इसके अंदर डालूँगी सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज को हम फ्राई करेंगे 4-5 मिनट तक। बस प्याज को मैंने फ्राई कर लिया 4-5 मिनट तक। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट है, नॉर्मल है बिल्कुल, 1 चम्मच है दोनों चीज़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाल दूँगी, क्योंकि सब्जियों में ज़्यादा मसाले हम नहीं डालते, सब्जी का अपना ही गज़ाइत बहुत अच्छी भरपूर गज़ाइत होती है सब्जी में, मसाले इसके अंदर नहीं ऐड ज़्यादा होंगे, सिंपल जाएंगे नमक मिर्च। बस 1 मिनट के लिए इसको हम हल्का सा सोते करेंगे लहसुन अदरक को, मसाला आनी शुरू हो गई है। प्याज को भी हमने ज़्यादा इसके अंदर बुनाई नहीं करनी प्याज की, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे, 1 टमाटर अभी थोड़ा रहमान रहीम, सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगी साथ ही। सब्जी की अपनी खूबसूरती कलर की बहुत ज़्यादा होती है, सब ताज़ा सब्जियाँ आजकल मौसमी सब्जियाँ शुरू हो गई हैं। शलगमों में आप मटर भी डाल सकते हैं, पालक भी डाल सकते हैं, चिकन भी, कोई भी बकरे का गोश्त जो फोड़ आप कर सकते हैं आप डाल के इसको मज़े से बनाएं, बहुत ही मज़े की भुर्जी बनेगी शलगम की, पालक और शलगम की। आज आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बनेंगे। देखिए आप इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है, क्योंकि हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना ज़्यादा टमाटर का, ये ज़ीरा है तकरीबन 1 चम्मच है छोटा, ज़्यादा मादा नहीं, भी छोटे में डाल दूँगा। बस इसके अंदर मैं नमक मिर्च डालूंगी, ये देखिए बिल्कुल घर के मसाले हैं, सादा मिर्चे हैं, ये नमक है, सब्जी के हिसाब से हम डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच में डालूंगी, ये सुरख मिर्च है। कोशिश किया करें कि आप देसी मिर्चें जो हैं वो इस्तेमाल करें।
आधा चम्मच हल्दी का है। ये इसके अंदर जाएगा खुश्क धनिया का पाउडर आधा चम्मच। गरम मसाला इसके अंदर मैं नहीं डालूंगी क्योंकि ये सर्दी है, सर्दी में गरम मसाला नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, हल्का सा पानी डाल दूंगी ताकि मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएं और पक जाएं। घरों में आजकल हमारे जितने भी बड़े माँ बाप हैं या बड़े बुजुर्ग कोई भी आजकल बीपी के मरीज पेशेंट और शुगर के बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मसाले से थोड़ी सी परहेज करनी चाहिए सब्जियों में, खास तौर पे सब्जी के अंदर मसाला ऐड ना करें तो बेहतर है। सिर्फ जीरा डाल सकते हैं आप लोग और टमाटर हल्का सा, क्योंकि सब्जियों की अपनी अफादियत बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। अब हल्का सा इसको हम नाइस ही करेंगे हल्की सी बिल्कुल एक दो मिनट के लिए, और इसमें मैं फिर पालक डाल दूँगी। ये थोड़ी सी पालक थी, चंद पत्ते पालक के वो मैंने काट लिए, थोड़ा सा सब्ज धनिया था वो भी ये काट के धो लिया था मैंने, इसी तरह की मिट्टी निकाल दी थी। ये देखें आप, बस ये शलगम थे मैंने, इसको भी बारीक काट लिया है अच्छी तरह, इसका छिलका उतार के ये बारीक लंबी लंबी कतलियाँ इसकी काट ली थी, और अब इसको मैंने धोप कर हल्का सा पानी के अंदर डाल दिया था ये सारी मिट्टी वगैरह उतार के। तो इसके अंदर हम सब्जी डालेंगे, पहले मैं पालक थोड़ी सी डाल के भून दूंगी, थोड़ी सी नाइस की कर दूंगी पालक की। अब मसाले की बुनाई तकरीबन हो गई है, क्योंकि ये सब्जियों वाला सब्जी का मसाला है थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहेगा। अब इसके अंदर पालक जाएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ धनिया भी इसके अंदर ही मिक्स कर देंगे क्योंकि ये शोरबे वाला सालन नहीं है। बस अब पालक की मैंने हल्की सी बुनाई कर दी है इसके अंदर दो से तीन मिनट तक, ताकि पालक का कच्चापन खत्म हो जाए। थोड़ी सी बुनाई हो गई है, पालक को हमने पहले मसाले के अंदर थोड़ा सा भून लेना है ताकि पक जाए अच्छी थोड़ी सी। अब इसके अंदर मैं शलगम ऐड करूंगी, शलगमों ने बाप के साथ नीचे बैठ जाना है, पक जाएंगे थोड़े से, अभी इस सब्जी ने नीचे को गर्म भी हो जाना और बाप से नीचे हो जाना है। ये देखें आपको मैं दिखा रही हूँ, उसको मिक्स करके अच्छे अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता से आपने सुकून से काम करना है, रिलैक्स होके। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डालें, जितनी आप लोगों को पसंद है कम या ज़्यादा। बस आप इसको हल्का हल्का सा हम मिक्स करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से, पालक भी ऊपर आएगी। ये देखें माशाल्लाह रंग रंग सब्जी की, क्योंकि मौसमी सब्जी है, इनकी खूबसूरती माशाल्लाह अल्लाह ताला ने, ऐसी कुदरती चीज़ें जो भी सब्जियाँ फल हैं अपने मौसम के हिसाब से, तो इनकी खूबसूरती अपनी है। बस अब शलगम अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं पालक के अंदर, देखें मसाले में। तो अब इसको मैं दम पे रखूंगी तकरीबन 8 से 10 मिनट तक, इतना यानी कि टाइम सब्जी लेगी उस हिसाब से अंदाजन 8-10 मिनट इसको लगेंगे बाप में, क्योंकि ये अपनी स्टीम इसके अंदर ही पानी है सब्जी वाला ही। तो इसको अब मैं ढक दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद इसके असर शक्ल। बस अब 8 से 10 मिनट हो गए हैं, तो हम दम पे शलगम रखते हुए थे मैंने सालन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक पानी भी खुश्क हो गया है, और सब्जी भी देखें काफ़ी पक चुकी है। अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा ऐसे लोई या चम्मच की मदद से थोड़ा सा पीसना होता है सब्जी को, शलगमों को खास तौर पर।
बुनाई करते वक्त इसकी अब हल्की सी हम बुनाई करेंगे इसकी ऐसे भी इस हालत में भी। देखिए व्यूअर्स इसकी बुनाई कर रही हूँ मैं, थोड़े थोड़े इसको अच्छी तरह से हम पीस लेंगे जो अभी साबुत है थोड़े से शलगम, क्योंकि इनका पानी खुश्क हो गया सब्जी का सारा। ऐसे बिल्कुल गल चुकी है सब्जी, ये पिस चुके हैं देखें माशाल्लाह अच्छे तरीके से, पालक भी अच्छे तरीके से पक गई है इसके अंदर मसाले में, क्योंकि 8 से 10 मिनट हो गए थे इसको मैंने दम पे रखा हुआ था। अब बस इसको मैं अच्छे तरीके से पानी जो इसके अंदर थोड़ा बहुत रह गया है सब्जी का, ऐसे हम लोगों ने आप लोगों ने भी घर में ऐसे इसको अच्छे तरीके से इसको भुर्जी सी बना लेनी इसकी। बाद लोग अगर आप लोग थोड़ी सी खड़ी खड़ी सब्जी खाना पसंद करते हैं तो आप लोग इसको ना पीसें, लेकिन ऐसे डोई या चम्मच की मदद से आप इसको पीस इसकी पिसाई थोड़ी सी कर दें सब्जी की, तो सब्जी के अंदर जो पानी और इसका थोड़ा सा शलगमों की होती है तो सैलापान जो कड़वाहट सी हल्की फुल्की सी वो भी ख़त्म हो जाएगी, इसका पानी खुश्क हो जाएगा। बस इसकी माशाल्लाह अच्छे तरीके से भुर्जी हो चुकी है सब्जी की, देखिए इसकी बुनाई मैंने कर दी है आपको दिखाई है इसको अच्छी तरह से ऐसे डोई के साथ चम्मच हो उसके साथ आपने पीस लेना है सब्जी को। ये देखिए माशाल्लाह इसका सारा पानी भी खुश्क हो गया, घी भी देखिए साइडों पे आ रहा है, जब ऐसे सब्जी में या सालन में घी साइडों पे आना शुरू हो जाए तो सब्जी इसकी बुनाई हो गई है, सारी इसकी बुनाई होगी। सब्जी को इतना ज़्यादा हमने पकाना नहीं है कि उसके सारे वाइटामिन वगैरह जो भी इसके अंदर प्रोटीन वाइटामिन है उसके फायदा वो खत्म हो जाए। अब इसके अंदर देखें साइडों पे घी आना शुरू हो गया और ये पक गई। अब मैं फ्लेम बंद करती हूँ, आपको डिश में डाल के दिखाती हूँ, अब मैं आपको डिश में डाल के सब्जी दिखाती हूँ। पालक और शलगम की भुर्जी माशाल्लाह बनी है बहुत ही मज़े की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको हम इसमें डालेंगे। सब्ज़ धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया था पालक के साथ ही धो के अच्छी तरह से, तो खुश्क मेथी है मेरे पास अभी, ताज़ा मेथी भी है वो भी आप डाल सकते हैं, खुश्क मेथी थोड़ी सी इसके ऊपर मैं छिड़क दूंगी टेस्ट के लिए। ये मैंने देखें आपको दिखा रही खुश्क मेथी, बस 2 पिंच हमने चुटकियाँ इसके ऊपर छिड़क देनी है टेस्ट के लिए, खुशबू अच्छी आएगी मेथी की खुश्क मेथी की, तो ताज़ा भी आप मेथी डाल सकते हैं। तो आज व्यूअर्स आज मैंने आपको शलगम और पालक की भुर्जी का सालन बनाना सिखाया है, आप लोगों ने मुझे फीडबैक में जरूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा ये रेसिपी, और मुझे कमेंट में जरूर बताया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मुझे खुशी होती है आप लोग मुझे कमेंट में बताते हैं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नई आने वाली मेरी वीडियो जल्दी देखने को मिले, और स्किप ना किया करें प्लीज़ मेरी वीडियो को, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा करें ताकि आपको सारी रेसिपी समझ आए अच्छे तरीके से इसका मेथड। और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबकी परेशानियां दूर करे, सब बीमारों को शफा दे, जितने भी बेऔलाद अल्लाह पाक उनको औलाद दे, और जिन लोगों की माँ बाप बच्चे बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही, रिश्तों के मसले अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे, और अपनी बहन को दुआ में याद रखें, और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआएं करती हूँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।